अरे पतंजलि की अगर आंख में डालने की दवा सही होती तो वो अपनी आंख में डाल के आंखें फिट कर लेता अपनी, समझ रहे हैं? देश तो बाद में फिट होगा, पहले आंख फिट कर लीजिए अपनी। ये एक बात मुझे बताइए, गाय का दूध आज 70 रुपए लीटर नहीं बिक रहा, 60 रुपए लीटर नहीं बिक रहा, इसका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक रहा है और वो भी नहीं पता। अरे यार एक बात मुझे बताओ, इतना गौमूत्र कहाँ से आ रहा है? ऐसे करके पूरा कटघरा जमा कर, ऐसे करके समझे, यूं करके ऐसे पांव पे पायत रखे। बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आप उसे वोट देंगे जो 70 रुपए पेट्रोल देगा? किसे वोट देंगे आप बताइए, बताइए बच्चों। बाबा रामदेव की आज कोरोनिल जो वैक्सीन है वो लॉन्च हो गई है और उन्होंने दावा भी किया है कि 1 करोड़ लोग उनकी वैक्सीन से ठीक भी हुए हैं। अच्छा तो आपने लगवाई क्या? मुझे कोरोना ही नहीं हुआ, आप उस पर बताइए। तो ये कोरोना, जिनको कोरोना हुआ है उन्हीं को लग रही है क्या? वैक्सीन पर बताइए ना, वैक्सीन निकालिए, इतना बहिष्कार करते हैं, वैक्सीन निकाली आपने, निकाल दी क्या वैक्सीन? तो मैं क्या डॉक्टर हूँ, सारे काम मैं कर लूँगा, डॉक्टर इंजीनियर एक ही है देश में। आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे मैंने आपसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर मांग लिया किसान की बात कराने के लिए, हैं? आप कैसे गुस्सा हो रही हैं? आराम से बात करिए ना, आप पूछ रहे हैं ना? क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ, देश पूछ रहा है, आप पूछने के लिए खड़ी हुई है, मैं तो बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, पूछिए आप। नहीं आप पूछेंगी, वैक्सीन निकाली है तो उसके बारे में, वैक्सीन का बहिष्कार करके हमने पतंजलि के टेंट में आग लगा दी जाके, क्या वैक्सीन का बहिष्कार? आप एक बात मुझे बताओ, अगर वैक्सीन का इतना ही फायदा है तो वो जो 24 घंटे बैठकर मोदी मोदी करके ओएमजीसी में हराम का खाता है संबित पात्रा, उसे भी तो कोरोना का लक्षण हुआ था, तो सबसे पहले अगर सुआ भोपना है तो उसके घोपो, या हमारे पे ही सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो पहले उसी पे करो, उसको ठीक कर दो एकदम। और मानसिक दिवालियापन का शिकार हुए लोगों का कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, समझ रहे हैं? और पूरा देश समझ चुका है कि ये किसके लिए शब्दों का प्रयोग है, लेकिन ऐसा नहीं, हम नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी पूरा देश समझ गया है। आप एक बात मुझे बताइए, आप आए दिन नया नया ढोंग धतूरा लेके आ जाते हैं, आप कभी कहते हैं कि मैं कोरोना की दवाई ले आया, कभी कहते हैं कि मैं पतंजलि का हनी ले आया, वो पतंजलि का हनी जिसमें आप चीनी मिला मिला के चीनी का घोल दे दे के बेच रहे हैं, तो आप देश को क्यों पागल बना रहे हैं? आपके पास अगर कोई इलाज है तो उसे अपने ऊपर टेस्ट करिए। पूरा देश बाबा रामदेव को 1.25 में नहीं, पूरे 2 आंख में देखना चाहता है, पूरा देश इंतजार। नहीं नहीं हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस शब्दों में कह रहा हूँ, मेरे लिए मेरे दिल में संवेदना है बाबा रामदेव के लिए। भैया पॉलिटिशियन आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, अगर इतने बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो पहले अपने 1.25 आंख की आंख को दो करे, पूरा देश आपकी 2 आंख को देखना चाहता है। और आपको दोबारा से रजत शर्मा के, हाँ आप बोलिए बोलिए आप, जो आप बात कर रहे हैं इसी पर हम नितिन गडकरी ने बोला है कि चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता, तो चमत्कार को क्या ऊपर से आकाशवाणी हुई थी आज शाम को कि भैया ये लोग कोरोना की दवा टपक रही है, हैं कटोरा लगा दो, का कौन सा चमत्कार हुआ है, हैं? या फिर इन्होंने जमीन खोद दी? बाबा रामदेव कहता है 500 साल, 1500 तो मैंने कम कर दिए, 500 1000 साल पुराना पहाड़ों से ढूंढा हुआ नमक, जैसे अगर ये पहाड़ों से, और नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है कि जैसे अगर ये पहाड़ों पे पहुंच के नमक को उसको नहीं लेके आता सामान को तो वहीं एक्सपायर हो जाता, ऐसे पागल बनाते हैं ये। आप ये देखो 1000 साल वहां रहा सामान पहाड़ों पे, समझ रहे हैं, तो एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन 10 दिन आपके घर में रह गया तो एक्सपायर हो जाएगा। तो बाबा रामदेव जो पागल बना रहे हैं ना पूरे देश को, पूरा देश देख रहा है, स्वदेशी की आड़ में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो गई है इनकी, करोड़ों रुपए की संपत्ति खा गए हैं, करोड़ों रुपए के इनके ऊपर तो इनकम टैक्स की जांच बैठनी चाहिए। और ये बाबा रामदेव जमीन पे बैठ के दिखाना पड़ेगा कि कैसे बैठते हैं, ये बैठ ही जाता हूं मैं, ये बाबा रामदेव ऐसे ऐसे करके पूरा कटघरा जमा कर, ऐसे करके समझे, यूं करके ऐसे पांव पे पायत रखे। बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आप उसे वोट देंगे जो 70 रुपए पेट्रोल देगा? किसे वोट देंगे आप बताइए, बताइए बच्चों। आज उससे पूछो बच्चों के पिताजी से कि पिताजी आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप बताइए ना। ये बाबा रामदेव, अब आप ये समझिए, 2014 से पहले इसको महंगाई डायन लगती थी, 2014 से पहले महंगाई इसको डायन लगती थी, और अब 2021 में इसकी भौजाई हो गई है, समझ रहे हो आप, अब
हो गई है इसकी, और कभी यूं करके तो कभी आज इसके सारे ड्राम, कभी यूं करके एक दो ऐसे पूरा देश इन्होंने लूट लिया। ये उठक बैठक लगा के आंख मिचिया कर पूरा देश इसने लूट लिया। आप एक बात बताइए मुझे, इस पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव का, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिक रहा, इसका मक्के का आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है, हैं? ये एक बात मुझे बताइए, गाय का दूध आज 70 रुपए लीटर नहीं बिक रहा, 60 रुपए लीटर नहीं बिक रहा, इसका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक रहा है और वो भी नहीं पता। अरे यार एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, इतना गौमूत्र कहाँ से आ रहा है? क्या गाय के नीचे आपने टपी लगा दिया क्या? और सुनिए गौमूत्र में भी वैरायटी, गाय का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का, गाय के पहले मूत्र से हार्ट अटैक की बीमारी सही होती है। पहला मूत्र क्या होता है? गाय ने डायरी रख रखी है, ये पहला करा दिन का, ये दूसरा करा, ये आखिरी है, डायरी है क्या गाय पे? आपने देश का मजाक बना दिया है। आप रामायण की बात करते हैं, रामायण नहीं पढ़ी क्या तूने भाई बाबा रामदेव? जब सारे देश के अंदर, आप ये सुनिए, जब सारे देश के अंदर रामायण के अनुसार अगर आप रामायण की बात करते हैं, तो उस समय सतयुग के अंदर रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, तो उस समय लंका से सुषेण वैद्य को लाया जाता है और संजीवनी बूटी लाई जाती है, समझ रहे हैं? उस समय भी वैद्य को लाया जाता है। इस कलयुग के भाषण जीवी को, इस कलयुग के चुंदिया को, पौने दो आंख वाले को, आप ये समझिए, सुनिए, ये समझिए कि जब अस्पताल की सुविधा करानी थी, लोगों को डॉक्टर मुहैया कराने थे, तब ये कह रहे हैं ताली बजा लो, ताली बजा लो। अरे भैया अगर ताली बजाने से कोरोना खत्म होता है, ताली बजाने से कोरोना खत्म होता है, तो मैं तसला पीट दूं यहाँ लाकर, कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? तो आप एक मिनट सुनिए ना, तो ये अरे मोदी जी का विरोध क्या, आप क्या का मोदी जी की वकालतगिरी कर रही हैं आप, हैं? एक बात मुझे बताइए, सारे विरोध करते हैं फिर, कोई तो खूबी भी तो होगी, कोई खूबी है ना, अरे खूबी है तो सही, क्या बात कर रही है, सारी खूबी तो उन्हीं में, आप में हम में कहाँ है खूबियाँ, सारी खूबी तो उन्हीं में है। अब आप ये देखिए, खूबी तो उनमें है, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम बढ़ गए, तो एक रस्ते पे मिल गया मुझे भाई, अंधभक्त मिल गया भाई। मैंने कहा भाई पेट्रोल के दाम डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कह रहा भाई क्या बात कर रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप मोदी जी के बारे में नहीं जानते क्या? मैंने कहा क्या भाई, मैंने कुछ समझ रहा, मैंने कोई नई स्कीम लाए होंगे, स्कीम लाने में तो माहिर हैं ये। कह रहा मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए हैं ताकि देश के लोग बाइक ना चला सकें, देश के लोग गाड़ी ना चला सकें और पैदल चलें और फिट रहें, ताकि उनका पेट बाहर ना निकले, फिट इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत। नेहरू 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 जिम्मेदार है, आप ये समझिए ना, नेहरू जिम्मेदार है हर चीज के लिए, नेहरू जिम्मेदार है, ठीक है? पुलवामा की घटना होती है तो नेहरू जिम्मेदार है, चीन हमला कर रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है, पाकिस्तान हमला कर रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो नेहरू जिम्मेदार है, ठीक है? संबित पात्रा को कोरोना हो जाता है तो नेहरू जिम्मेदार है, हर बात में नेहरू जिम्मेदार है। तो भैया नेहरू की एक सूची बना लो, उसका नाम लिख लो, नेहरू से बात करने के लिए आप ऊपर भेज दो स्टेशन पे, एक आध आपका कोई नेता फ्री हो तो, या अगर आपके संपर्क होते हो तो बात कर लो नेहरू से भी, और क्या, नेहरू को कब तक जिम्मेदार ठहराते ही रहोगे आप? और हर बात के लिए नेहरू ही जिम्मेदार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अपनी जिम्मेदारी भी तो लीजिए ना। मैं मेरी भी जिम्मेदारी के लिए मैं भी नेहरू ही जिम्मेदार है, मैं काहे की जिम्मेदारी ले लूं? रेल रोकते हैं, कभी भारत बंद करते हैं, कभी ट्रैक्टर रैली करते हैं, आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रेन चल रही है देश में, कौन सी ट्रेन रोक दी? चलती है वो भी, आप ट्रेन से आती जाती है क्या? जो चल रही है वो भी रोक दिया आपने तो। ट्रेन रोक के क्या कर रहा था किसान ने, हूँ क्या कर रही है बताइए ना। आप गए थे ना रेल रोको? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, आप बेहतर, आप कह रही है ना ट्रेन रोकी, तो ट्रेन रोक के क्या करा आप भी तो बता दीजिए, एक मिनट रुके, क्या करा? नुकसान कर रहे हो आप क्या जनता का? 6 महीने सुनिए, 6 महीने जब देश की स्थिति को ही बंद कर दिया, देश में सब कुछ ठप कर दिया, तब आपके मुंह में फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटका हुआ था, आवाज़ नहीं निकली है। 6 महीने तो नहीं बोला आपने कि देश की संपत्ति रुक रही है, देश में लोग भूखे मर रहे थे, और सुनिए आप मत करिए, जब बोला क्यों नहीं बोला किल, आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है मैंने बोला नहीं बोला? जब बिल आया ना, तो बिल को लेकर दिल्ली के राजघाट से महात्मा गांधी, जहां पर 102 साल पहले महात्मा गांधी जी ने ठेका प्रथा का समापन किया, वहां तक पदयात्रा निकाली, समझ रहे हैं? और अगर बातों से पेट भर जाए ना, तो मोदी अकेला इतना बोलता है कि लोगों को कमाना ही ना पड़े, समझ रहे हैं आप? तभी तो
संशोधन और होल्ड पर बात की जाती है ना बार बार। तो आप एक काम करिए ना, सुनिए, होल्ड की बात आप कर रही हैं, संशोधन की बात कर रही हैं, आपसे कहूँ आप अपनी 3 मंजिला इमारत को छोड़कर झुग्गी में रह लेंगी तो रह लेंगी क्या? रह लेंगी बताइए। अरे हित तो छोड़िए, हमारा हित छोड़िए, अपना हित बता दीजिए, काहे का हित है? तो आपका भी, मैं भी कह दूं आपका हित है 3 मंजिल की वो छोड़ के आ जाओ झुग्गी में रह लो, यहाँ पर आपका हित है, समझ लो कि बिल्डिंग गिरेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हित है आपका, झुग्गी में रहो क्योंकि झुग्गी गिरेगी नहीं, रह लोगी आप? क्यों आपकी बात क्यों नहीं करें? आप देश में नहीं रह पे? आप देश में नहीं रह पे? क्यों देश में कर दिया विभाजन? सर्टिफिकेट भाजपा, सर्टिफिकेट भाजपा वाले बांट रहे हैं और विभाजन हमने कर दिया है। सर्टिफिकेट तो मोदी जी बांट रहे हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा, भाइयों बहनों कपड़ों से पहचाना जाएगा, तो सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं, तो आप बताइए ना, सर्टिफिकेट तो भाजपा वाले बांट रहे हैं, हैं? क्या चाह रहे हैं फिर अब? आपको इतने दिन से यही समझ में नहीं आया और आप ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हैं? अरे हम तो बिल वापसी चाहते हैं, बिल वापसी तो हमारे घर वापसी, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है, तो आप लोग भी तो समझिए ना थोड़ा। सरकार ने हमें चुना है, हमने सरकार को चुना है, आपने चुना है सरकार, तो फिर पीछे कौन हटेगा? दो बार वो भी। अरे पीछे कौन हटेगा, आप या मैं? हम, सरकार हटेगी या हम हटेंगे? समझ लीजिए ना, हट जाइए, क्या हो गया? क्यों समझ लें, 200 परिवारों की जिम्मेदारी आप लेंगी? किसानों का तो सोचिए, क्योंकि सरकार का कहना है बिल जो है वो गरीब किसानों के लिए। ये तो शुक्र है आपका, ये तो शुक्र है कि आपने किसान तो बताया, सरकार तो किसान भी नहीं बता रही है। आप क्या बात कर रहे हैं, 87 दिन से हम किसान नहीं बता रहे, मीडिया पर सवाल मत उठाइए सबसे पहले आप। तो मैंने मीडिया पर कौन सा सवाल खड़ा कर दिया? मैंने आपको कौन सा चैनल का नंबर पूछ रहे जो आप कह रही मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया? किसान तो बताया, हम क्या कर रहे? नहीं मैं कह रहा हूँ आपने किसान तो बताया, सरकार थोड़ी बता रही है किसान, तो आप सुनिए ना। अरे पतंजलि की कोई कान में डालने की दवा आती हो तो डाल लो, पतंजलि की कोई कान में डालने की दवा आती हो तो वो भी डाल लीजिए। अरे पतंजलि की अगर आंख में डालने की दवा सही होती तो वो अपनी आंख में डाल के आंख ही फिट कर लेता अपनी, समझ रहे हैं? देश तो बाद में फिट होगा, पहले आंख फिट कर लीजिए अपनी। छोटी है, बड़ी बिल्कुल ही जाएंगे, वैसे तो जाएंगे ही नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।